CDS कंपनी की लापरवाही देखने को मिल रही है। हमारे खुलासा न्यूज चैनल की टीम लगभग 3 से 4 महीने से इस खबर को अपडेट कर रही है, लेकिन शासन प्रशासन पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ एवं CDS कंपनी के अधिकारियों पर शामपुर में ओवरब्रिज के आसपास सर्विस लाइन जो निकली हुई है दोनों साइड की स्थिति इतनी खराब है कि ग्रामीणों को एवं बाहर के लोगों को स्कूल वैन एवं बस को निकालने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते ग्रामीणों ने जब शिकायत की तो सीहोर विधानसभा विधायक सुदेश राय एवं श्यामपुर तहसीलदार श्याम चंदेल इस स्पॉट पर पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया, स्थिति को देखा तो रोड की स्थिति काफी खराब थी। CDS कंपनी की लापरवाही देखने के लिए मिली एवं विधायक सुदेश राय द्वारा 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। ठेकेदार द्वारा बताया गया कि 2 दिन के अंदर में सर्विस लाइन को पूरी तरह से रिपेयर करवा दूंगा एवं विधायक सुदेश राय ने कहा है कि लोकल की टोल वसूली हमारे द्वारा बंद करवा दी जाएगी अगर रोड को पूरी तरह से 2 दिन के अंदर रिपेयर नहीं किया गया तो। दोराहा से दानिश खान की रिपोर्ट। टोल वसूली कर रहे हैं, अगर 2 दिन के अंदर आपने काम यहाँ पर नहीं चालू करा तो मैं टोल वसूली नहीं होने दूंगा, ये आपसे विनम्र आग्रह है ना। ये अपनी ड्यूटी बनती है आपकी भी और मेरी भी, पर वो पूरी हो नहीं पा रही है। अगर 2 दिन के अंदर काम चालू नहीं हुआ तो मैं टोल वसूली नहीं होने दूंगा, ये आपका ध्वजा बनती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।